नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन कोदारा साहब। पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन कोदारा साहब। पवन कोदारा साहब अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटा आए हैं और हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे। सबसे पहले कोदारा साहब आपका स्वागत है, और दूसरा सबसे आयोग का पर्पस क्या है? आयोग का गठन का उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान के अंदर राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास कॉरपोरेशन अनुजा निगम के नाम से अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। आयोग का काम रहे एक एपेक्स और सुपरविजरी बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी है, जो किस प्रकार से इन जातियों अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए नई कौन सी योजनाएं संचालित की जा सकती हैं, किस प्रकार से क्या काम किया जा सकता है, उनका संकलन कर प्रस्ताव बनाकर सरकार को देने का काम है। अब पहले ये निगम था, अब ये आयोग है, तो इसके कोई वर्क मतलब कल्चर में कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, निगम अपनी जगह काम कर रहा है, आयोग अपनी जगह काम, निगम तो काम कर ही रहा है जी। आयोग एक अलग से एक एडवाइजरी और सुपरविजरी बॉडी बनाई है, जो इस निगम के माध्यम से जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए, वो योजनाएं किस प्रकार से योजनाएं उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, और कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन जातियों को उनका लाभ पहुंचाया जा सके। पवन जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे भारत में एक अलग सी एक चीज़ उठ करके सामने आ रही है, और वो उसकी शुरुआत हो रही है बिहार से। बिहार ने कहा है कि हम जातिगत मतगणना कराएंगे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए? देखिए, यह निर्णय करना तो प्रशासन का और मुख्यमंत्री जी का काम है कि राजस्थान में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका क्या सोचना है। किंतु मैं कहना चाहूँगा कि जिस जाति का जितना प्रतिनिधित्व है उसको उतना हक मिलना चाहिए। फिलहाल क्या स्थिति है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में तो निश्चित तौर पर सब जातियों का समावेश है। सरकार की बात करें, चाहे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात करें, पूरा समावेश हर जाति को दिया जा रहा है, हर जाति को भी दिया जा रहा है। और मैं ये कहूँगा, हर जाति धर्म और जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं, जैसे NHUI यूथ कांग्रेस सेवा दल से निकले हुए जो लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के सत्ता में लाने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया है, उन सबको भी समावेश इस सरकार में भी किया जा रहा है और संगठन में भी किया जा रहा है। आपका आयोग जो है हाल में वैसे ताज़ा गठित है, अभी बहुत साल नहीं हुए हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपके इस आयोग और निगम ने पिछड़ा वर्ग को उत्थान के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, आयोग का गठन तो अभी नया नया ही हुआ है जी, तो आने वाले समय में इस आयोग के माध्यम से हम हर जिले के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि हर जिले में सम्मेलन हो, प्रतिनिधि सम्मेलन हो पिछड़ा वर्ग की जातियों का। उसके अलावा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का प्रावधान भी हम रखेंगे, किस प्रकार से एक राजस्थान लेवल पर एक अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं वो आएं और अपना सुझाव दें, तो सबके सुझावों का संकलन करने का काम हम करेंगे। और उन सुझावों को संकलन करने के बाद जो सुझाव जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उन सुझावों को निगम के माध्यम से एग्जीक्यूशन उनका होगा। नहीं, लेकिन फिलहाल तो अगर हम भारत की स्थिति देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में तो सर्वाधिक अगर कोई मांग है इस वक्त, तो वो यही मांग है कि पूरे भारत के अंदर जातीय आधार पर मतगणना हो, ताकि पता चले कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो सदैव कुचला हुआ रहा है, ना उसको इधर मान्यता ना उसको उधर मान्यता, तो शायद उनके लिए एक बड़ी फायदे की चीज़ उनको दिखती है। तो क्या आप कहेंगे कि भाई राजस्थान सरकार या आने वाले टाइम में कुछ इस पे विचार करें? देखिए, मेरा इस मामले में व्यक्तिगत मत तो यही है कि जिस जाति का जितना प्रतिनिधित्व हो उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। किंतु जैसे भारत देश की हम बात करें तो हमारा संविधान सबको एक साथ चलने की बात करता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब जातियाँ एक साथ राजी खुशी रहें। इस देश का माहौल धर्म, आज धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, तो जो धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। भाई को भाई से लड़ाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर देश को विभाजित किया जा रहा है। इसको बंद करने की आज की सर्वाधिक ज़रूरत है, देश में भाईचारे को कायम करने की, गांधीवादी विचारधारा को कायम करने की आज के दिन इस देश की सर्वाधिक ज़रूरत है। राजस्थान में सरकार फेल क्यों हुई जब कुछ सांप्रदायिक ताकतें लगातार राजस्थान का माहौल ख़राब करने की उतारू बैठी हैं?
चुनाव को देखते हुए कहिए या कुछ भी कह लीजिए, मगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। खुद जोधपुर में ही 2-3 बार ऐसा माहौल हो चुका, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, राजस्थान में सरकार फेल नहीं हुई, मैं तो कहूँगा राजस्थान में सरकार पास हुई, जो इनके एजेंडे को फेल कर दिया। कुछ लोग राजस्थान की इस गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का काम करना चाह रहे थे, उनका प्रयास यह था कि किस प्रकार से माहौल को ख़राब किया जा सके, भाई को भाई से लड़ाया जा सके, किंतु सही समय पर सरकार ने एक्शन लिया, चाहे जोधपुर की घटना हो चाहे करौली की घटना हो, सही समय पर जो आपराधिक तत्व थे उनका पहचान कर ली गई, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे कि ये माहौल को और एक समझाइश का काम भी किया गया। जातियों के जो समझदार प्रतिनिधि है दोनों धर्मों के, सबको बुलाकर समझाइश भी की गई, तो माहौल बिगड़ने से बच गया। तो आप देखेंगे माहौल बिगड़ने से अदर नहीं तो इनका प्लान तो कुछ और ही था, पर प्लान पूरी तरह से फेल करने का काम राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। लेकिन पवन जी, हम एक चीज़ में जो कांग्रेस को थोड़ा सा कमज़ोर इस तरह से पाते हैं कि जब आपके सामने सांप्रदायिकता एक बड़ी चुनौती है, ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती है, कि जब जब चुनाव आता है विपक्षी पार्टियां किस तरह से ध्रुवीकरण करती हैं, हिंदू मुसलमान करके ले जाती हैं, कांग्रेस के पास में इतना बड़ा हथियार है, महंगाई है, बेरोजगारी है और बहुत से मुद्दे हैं, कांग्रेस अपने इन मुद्दों को सामने रख पाने में क्यों असफल होती है? देखो, कांग्रेस मुद्दों को सामने रखने में असफल नहीं है। अभी महंगाई हटाओ रैली की तुम्हारे लिए जयपुर में हुई, जगह जगह हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से धरने प्रदर्शन किए गए, कांग्रेस का कार्यकर्ता रोज़ इस महंगाई के लिए आवाज़ उठा रहा है। पर मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे दल हैं, कांग्रेस, मैं कहना चाहूँगा झूठ बोलने में दूसरा दल माहिर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ को भी इतनी आसानी से और ऐसा परोसते हैं कि लोगों को वो सच लगता है। तो धर्म के नाम की जो नशा लोगों को दिया जा रहा है, यह नहीं समझ रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक है, इस देश को बिगाड़ने का काम कर रहा है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अपना काम बखूबी कर रही है, विपक्ष के तौर पे जो कांग्रेस की भूमिका है, कांग्रेस पूरे देश में उसको निभा रही है, हर जगह कांग्रेस धरने प्रदर्शन भी कर रही है। किंतु मैं पुनः फिर आपको वही बात पे आऊँगा कि इन लोगों की मानसिकता पूरी तरह से विकास के खिलाफ है, पूरी तरह से समाज के खिलाफ है, समाज को तोड़ने की इनकी जो मानसिकता है उसका तो मैं कहूँगा कि इनका खामियाजा आज देखें, अरब देशों के सामने सरकार किस प्रकार झुकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो भारतीय समुदाय को एकजुट रखने का काम जो पिछले आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस गांधीवादी विचारधारा पर चलते हुए देश को एकजुट रखने का, समाज को एकजुट रखने का काम किया, उसको फेल करने का काम, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान सरकार हर 6 महीने 8 महीने में जा करके होटल में बंद हो जाती है? नहीं, होटल में तो राजस्थान सरकार कभी बंद ही नहीं होती। आप देखें अभी तो राज्यसभा चुनाव चल रहा है, प्रशिक्षण के लिए सारे विधायक एक जगह इकट्ठे हैं। तो दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो आप यूं भी तो माने कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, जहाँ इनको लोकतंत्र से सत्ता हासिल नहीं हो रही है, वोट इनके खिलाफ जा रहा है, वहाँ वो पैसे से ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से सरकार को तोड़ने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश हमने देखा, कर्नाटक हमने देखा, हर जगह यही काम करते हैं। राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, कांग्रेस के जो विधायक जीत कर आए हैं वो पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ हैं, अशोक गहलोत जी और पूरी सरकार सतर्क हैं। तो ये समय समय पर प्रशिक्षण के लिए, सब चर्चा के लिए होटलों में लोग जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देखें, वो भी तो होटल में ही बैठे हैं। उनको आपसे खतरा है? नहीं, कांग्रेस से तो किसी को खतरा नहीं है। मैंने कहा इस देश को खतरा भारतीय जनता पार्टी की इस सांप्रदायिक विचारधारा से है। कांग्रेस की विचारधारा तो सबको साथ लेकर चलने की है। कांग्रेस तो मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आग लगाने का काम करती है, कांग्रेस आग बुझाने का काम करती है। तो बुझाने वाले से तो खतरा किसी को ही नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा तो भारतीय संविधान की तरह है, सबको साथ लेकर सबका विकास, सबके साथ सबका विकास की विचारधारा है। छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से लेकर के और अब तक आपका राजनीतिक सफर रहा है, आप पहले इलेक्टेड यूथ कांग्रेस चेयरपर्सन भी बने, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुनाव के जरिए ही हो अखिल भारतीय? देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष का तो चुनाव के जरिए ही होता है, जो भी मेंबरशिप चल रही है 10 तारीख तक ब्लॉक अध्यक्ष और डेलीगेट्स का लास्ट डेट है। पहले मेंबरशिप होती है, फिर इलेक्शंस होते हैं। तो एक कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। आप किसको बनाना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हमारे तो अध्यक्ष रहेंगे। राहुल गांधी जी ने इस देश में लगभग हर क्षेत्र, आम परिवार से जुड़े हुए अनेकों लोगों को राजनीति में स्थापित किया। मेरे खुद को, मैं पहली बार यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष बना,
तो राहुल गांधी जी की जो चुनावी प्रक्रिया ऐसी उसी से बना। उससे पहले मैं नॉमिनेटेड अध्यक्ष था, पिछली कार्यकाल में मुझे राजस्थान युवा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे देश में जगह जगह जो नए युवा जो तरुणाई आज हमें पार्टी में देखने को मिल रही है, तो उसमें राहुल गांधी जी की सोच है कि किस प्रकार से एक संतुलन बनाया जाए युवाओं के बीच और जो अनुभव है उसके बीच में। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक नियुक्तियों में राजस्थान सरकार ने थोड़ी देर कर दी, या पहले होती तो ज़्यादा ठीक रहता? नहीं, ये हर सरकार में समय लगता है। पिछली सरकारें आप देखें, चाहे पिछली कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसमें भी इतना समय लगा। और ये तो मुख्यमंत्री जी का और पार्टी का निर्णय होता है जो जब हो। अभी भी बहुत समय बाकी है, लगभग 1.5 साल का समय इस सरकार में हमें मिल रहा है। आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जब बने उन चेयरमैनों को वापस 1.5 साल का मौका मिलेगा। तो हम देर कहाँ हो यार, मैं मानता हूँ कि अगली सरकार तो 2023 में कांग्रेस की बननी है। हम सब लोग मिलकर उसके लिए प्रयास करेंगे, उसमें भी इन्हीं बोर्ड कॉरपोरेशन अध्यक्षों को दोबारा मौका मिलेगा। गोदारा जी, ऐसा नहीं लगता कि जब कार्यकर्ता बहुत परेशान हो गया आपकी सरकार से, जब नीचे से आवाज़ें उठने लगी कि भाई कार्यकर्ता की तो कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा, तब जा करके गहलोत सरकार चेती और तब राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ? नहीं, इसके अंदर देखिए कार्यकर्ता की आवाज़, तो मैंने पहले भी आपको कहा कि कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनने का काम तो केवल कांग्रेस पार्टी करती है, मंत्री नहीं करते ना। मंत्री पार्टी तो कर लेती है, मंत्री करे जब, है ना, हम तो सुनते रहते हैं आवाज़ें। नहीं, मंत्री भी करते हैं, हो सकता है किसी काम में देरी हो, कई बार कई काम कोई किसी वजह से नहीं हो पाता है, पर निश्चित और मोटे मोटे तौर पर चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हो, अजय माकन जी हो, कांग्रेस पार्टी में एक बात हो रहा है, कितनी स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की। बहुत सारी जगह हैं, अगर किसी कोई सुनवाई नहीं होती तो राष्ट्रीय महासचिव के पास जाता है, प्रदेश अध्यक्ष भी सुनवाई करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ताओं से और नेताओं से हमेशा मिलते हैं, मंत्री भी मिलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सुनवाई नहीं करने का काम, तो मैंने आपको फिर बोला, थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वहाँ सिर्फ दो ही लोगों की चलती है, प्रधानमंत्री जी या गृहमंत्री जी, बाकी किसी की नहीं चलती। कांग्रेस के अंदर आप देखें हर किसी की चलती है, कार्यकर्ता की भी चलती है, नेता की भी चलती है, चाहे राज रहे या नहीं रहे वो अलग बात है, किंतु कांग्रेस पार्टी एक सबको साथ लेकर सबके विचार जानकर निर्णय करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का राष्ट्र निर्माण में और इस समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को जोड़कर रखने के लिए काम कर रही है। तो आने वाले समय में मैं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को यही कहना चाहूँगा कि जो आज देश में जिस तरह का माहौल है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए जोड़ने का काम करें, क्योंकि समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण दोनों का काम, राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब समाज का निर्माण सभी धर्म जाति सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के विकास में सहयोग करें। तो जो ये, मैं फिर दूसरे दल का नाम ही लेना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में जिस तरीके की राजनीति कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, तो इस सब को दरकिनार करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को समाज के निर्माण में किस प्रकार से समाज का निर्माण हो सके, किस प्रकार से इस देश का विकास हो सके, किस प्रकार राजस्थान का विकास हो सके, किस प्रकार से अपने गांव ढाणी का विकास हो सके, क्योंकि विकास तभी होगा जब हम सब लोग मिलकर प्यार प्रेम से रहेंगे। देश में जब सहिष्णुता का वातावरण रहेगा, गांधीवादी विचारधारा रहेगी, गांधीवादी सोच रहेगी, सबको साथ लेकर एक साथ चलने की बात रहेगी, तभी इस देश का, राष्ट्र का, समाज का, गांव, घर, परिवार का विकास हो सकेगा। तो हमें शांति बहाली का, एक साथ प्यार प्रेम से रहने का काम, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हमारे साथ थे पवन गोदारा साहब, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब। धन्यवाद।